हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्रता। दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 की डे 8 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन की। उससे ज्यादा मैं आपको एक बात बता दूं ना, अभी जो अब सिनेरियो चलने वाला है सेकंड वीक के अंदर ना, अब होने वाली है भाई साहब एक अहम की लड़ाई, मतलब कि एक ईगो की लड़ाई। देखो, दोनों ने क्लैश किया, कोई भाई साहब कभी स्क्रीन का लोचा हुआ, कभी सिंगल स्क्रीन का लोचा हुआ, भाई साहब चलता ही रहा। उन्होंने स्ट्राइक मारी, इन्होंने कूल तरीके से लिया। ओपनिंग किसने बढ़िया ली? सिंघम अगेन ने ली। कार्तिक धीरे 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 आज इतना आगे आ गया है, अजय देवगन की फिल्म के बिल्कुल साथ खड़ा हो गया है। अब तो उसने ओपन चैलेंज कर दिया है कि सेकंड वीक में वो, मेरे को लग रहा है कहीं वो सिंघम अगेन को बीट ना कर दे। जो सिंघम अगेन के फैंस है ना, अब जाओ जागो, एक बार देख चुके हो, दो बार देखो अगर अपने स्टार की फिल्म को आगे देखना चाहते हो तो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, वीडियो को एंड तक देखना, पूरा देखना, सब कुछ समझने आने वाला है आपको। सबसे पहले बात करते हैं वीक वन कितने पे एंड हुआ। PB3 का वीक वन हुआ 168.86 करोड़ के ऊपर। उसके बाद भाई सिंघम अगेन का वीक वन एंड हुआ 186.80 करोड़ के ऊपर। अगर मैं बात करूं ना तो 17 करोड़ या 18 करोड़ मैक्सिमम BB3 से आगे है सिंघम अगेन। क्लैश को देखकर चलें तो दोनों ही फिल्मों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। एक के पास 60% थी, एक के पास 40% थी। अब ऐसा नहीं है, अब बराबर है। एग्जीबिटर्स दोनों को बराबर शोज चला रहे हैं, पर एक बात अच्छी है कि अभी भी कोई कंपटीशन के लिए कोई फिल्म नहीं है। आगे कंगुआ आनी है, पर कंगुआ का हिंदी बेल्ट के अंदर अभी कुछ खास बस दिख नहीं रहा। अगर पब्लिक इन फिल्म को सपोर्ट करना चाहे ना तो ठीक ठाक बिजनेस कर सकते, क्योंकि नवंबर के एंड तक कुछ भी नहीं है। सीधा पुष्पा और छावा आएगी, तब ये दोनों फिल्में थिएटर से हटेंगी, और एक महीना काफी होता है किसी भी फिल्म को अच्छा खासा बिजनेस करने के लिए। आज की जब मैं कलेक्शन देख रहा हूं ना, वो शॉकिंग है। देखो, BB3 ने थर्सडे के दिन भी सिंघम अगेन को बीट किया है। उसका है डे 7 के ऊपर 12.21 करोड़, और भाई साहब जबकि सिंघम अगेन का आया था 11.20 करोड़, जो कि ट्रेड के भी नंबर है और मेकर्स के भी यही नंबर है। अब हम आते हैं आज कितना कर रही है BB3, और उसके बाद सिंघम के ऊपर बात करेंगे। बोरिंग ऑक्युपेंसी 9.75, आफ्टरनून 17.64, इवनिंग 21.60। नाइट ऑक्युपेंसी बहुत मैटर करती है, क्योंकि कल है सैटरडे, छुट्टी वाला दिन, जो नाइट में जंप मारेगा वो आगे निकलेगा। अगर बात करूं मुंबई की, 759 शोज में 20%, दिल्ली NCR में 1044 में 14, पुणे में 329 में 18, भाई साहब बेंगलोर के अंदर 221 के अंदर 17, एंड हैदराबाद में 128 के अंदर भाई 11% की ऑक्युपेंसी। सिंघम अगेन के ऊपर आता हूं, कलेक्शन दोनों के एंड में बताऊंगा। अगर बात करूं सिंघम की तो भाई मॉर्निंग 7.43, आफ्टरनून 15 एंड इवनिंग 18.83, यानी कि ऑलमोस्ट 19% की ऑक्युपेंसी। अगर देखा जाए मॉर्निंग टू इवनिंग, सिंघम अगेन भूल भुलैया से ऑक्युपेंसी में पिछड़ रही है। अब फैंस गाली वाली मत देना, प्यार से सुनना। मुंबई में 16%, NCR के अंदर 10.67, पुणे 15%, बेंगलोर 17, हैदराबाद 11। अभी भी दोनों फिल्में ना बुकमाई शो के ऊपर ठीक ठाक टिकट बेच रही हैं। वो बेच रही है 12,000 के आसपास BMCM, भूल भुलैया 3, एंड भाई सिंघम अगेन 8,500 के आसपास बुक माई शो के ऊपर टिकट बेच रही है। सुबह से मैं ट्रैक कर रहा हूं तो ये फिल्म अभी पिछड़ रही है। कौन सी? सिंघम अगेन। क्या मास फिल्मों का जादू खत्म हो गया? नहीं, नहीं खत्म हुआ। मैं रोहित शेट्टी का भी पॉडकास्ट देख रहा था, बहुत बातें करी उन्होंने अजय देवगन के लिए कि उनकी फिल्म हिट हो फ्लॉप हो उनको फर्क नहीं पड़ता, वो कूल रहते हैं, उनका नेचर भी ऐसा ही है। जो अजय देवगन के बारे में उन्होंने बातें बोली ना, वो पहले से ही पता है। पर इतना कहना चाहूंगा, ये फिल्म डिजर्व करती थी बहुत अच्छा होना। बहुत अच्छा होती तो 400 करोड़ नेट इंडिया इसका आता, 400, और अजय की पहली फिल्म जाती 300, 350, 400 करोड़, तो मजा आता। अब ये फिल्म BB3 7 बजे तक कमा चुकी है भाई 5,10,00,000 रुपए, और भाई सिंघम अगेन कमा चुकी है ऑलमोस्ट 4 करोड़, मतलब 3,90,00,000 रुपए। अगर इसी हिसाब से चलेगी, नेट ऑक्युपेंसी बहुत अच्छी आती है, 45-50% आती है, तो भाई 8 करोड़ के आसपास सिंघम अगेन का आ सकता है, और वो BB3 जाएगी 9-9.5 करोड़ के आसपास। सिर्फ 18 करोड़ का डिफरेंस बचा हुआ है, BB3 सिर्फ 18 करोड़ रुपए पीछे है, लैग कर रही है किससे? सिंघम अगेन से, जो कि मुझे लगता है जब सेकंड वीक खत्म हो जाएगा ना, तो मुझे लग रहा है इस तरीके से चलेगा पब्लिक की अगर चॉइस BB3 है तो भाई वो आगे निकल जाएगी। अब मुझे पता क्या लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, जिसने सिंघम अगेन देखी ना, अब वो BB3 देखने जा रहा है, पर जिसने BB3 देखी वो क्या सिंघम अगेन देखने जा रहा है? जहां तक मुझे लग रहा है, नहीं, क्योंकि सिंघम का जो फैन बेस है बिल्कुल टोटल डिफरेंट है, अलग है, एक मास ऑडियंस है जो कि भाई Tier 3, Tier 2 सिटी में रहता है। पर BB3 वाला जो भाई फैन बेस है ना, वो इस वक्त
हर सिटी के अंदर भाई साहब बसा हुआ है और उनको ये जॉनर पसंद आ रहा है, चाहे वो भी अच्छी नहीं है, इस रीजन से वो आगे निकल रही है। अगर सिंघम के फैन हो, अजय देवगन के फैन हो, तो जाओ सपोर्ट करो भाई, कम से कम 250-300 crore इज्जत तो दिलवा दो। अगर इतना ही गाली देते हो ना, तो दूसरी बार टिकट खरीदो, तीसरी बार टिकट खरीदो, परिवार को लेकर जाओ और जितवाओ इसको। नहीं जितवा सकते तो कम से कम रिस्पेक्टेबल टोटल तक तो लेकर जाओ। उसने तो चैलेंज कर दिया है कार्तिक आर्यन ने आपकी फिल्म को, आपके ऊपर है कितना बचा पाते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।